सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो आई एम अभी एंड यू आर वॉचिंग इंडियन बॉक्सर। सो लेट्स बिगिन अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेनॉल्ड ट्राइवर के RX-8 मॉडल का रिव्यू देने जा रहे हैं, जो कि रेनॉल्ड ट्राइवर का टॉप मॉडल है और इसको मैं एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके आपको सब फीचर अच्छे से बता सकता हूँ। और इसके आज हम कुछ हिडन फीचर्स की भी बात करने जा रहे हैं। तो फिर चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप जानते ही हैं, ट्राइवर एक कॉम्पैक्ट MPV कार है, जो कि एक कम्प्लीट फैमिली 7-सीटर कार है। और 7-सीटर कार में कंपनी ने इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए हम इसका कम्प्लीट रिव्यू करते हैं। तो पहले हम आपको इसका एक्सटीरियर दिखाते हैं, फ्रंट से, साइड से और बैक से। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम पहले से ही लगा हुआ मिलता है। बाकी आप इसका लुक देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, ये भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे DRL देखने को मिल जाती है, इसका क्रोम आपको एक्सेसरीज में से लगवाना पड़ता है। काफ़ी बढ़िया मिल जाती है ये भी सब आपको, आप लोग देख सकते हैं ओवरऑल कैसा लग रहा है ये। अब साइड में आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर मिलता है, जिसके साइड में भी ये इंडिकेटर भी आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं। आप चाहे तो लगवा सकते हैं या तो नहीं भी लगवा सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 182 mm का मिलता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं, आपको इसके टॉप मॉडल में 15 इंच के टायर मिलते हैं, और अगर आप इससे लोअर मॉडल लेंगे तो आपको 14 इंच के टायर ही मिलेंगे, और आप इसके टॉप मॉडल में 16 इंच के टायर भी लगवा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये भी आपको लगा हुआ नहीं मिलता है, ये भी आपको एक्सेसरीज में अलग से लगवाना पड़ता है। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्रोम अलग से लगवाया है हमने, सब क्रोम रोम लगवाया है हमने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्रोम में थोड़ी सी फिनिशिंग कम आई है, अच्छे से फिट नहीं हुआ है, पर सही है, बढ़िया है ये भी। तो अब आपको हम पीछे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक सिंगल विंडशील्ड वॉशर मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग, और पीछे भी आपको एक वाइपर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। पीछे का मिरर साफ करने के लिए जब विंडशील्ड वॉशर दिया तो वाइपर तो मिलेगा ही। और यहाँ पर भी आपको इनकी ब्रांडिंग मिल जाती है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्हें ड्राइवर लिख रखा है, वो भी पूरा क्रोम फिनिश में है, और एक लोगो भी बना रखा है अपना। इधर भी इन्हें रेनॉल्ट लिख रखा है। चलिए अब और साइड में चलते हैं इसके। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्हें RX-8 लिख रखा है, जो कि रेनॉल्ट का टॉप मॉडल है। तो फिर चलिए अब हम लोग इसको, अब चलिए हम लोग इसकी चाबी देख लेते हैं कैसी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमें इसकी की मिल जाती है, जो कि हमें काफ़ी बढ़िया लुक मिल जाती है। यहाँ पे भी इन्हें अपना साइन बना रखा है, और आप यहाँ पे फ्रंट में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 बटन मिलते हैं। एक आपको अनलॉक करने के लिए मिलता है, ये लॉक करने के लिए, ये लाइट चलाने के लिए, जो कि हम आपको रात में दिखाएंगे, और ये आपको इसका बूट स्पेस लॉक करने के लिए मिलता है, और आप बाकी गाड़ियों में आपको ये फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। चलिए अब हम आपको एक और हिडन फीचर बताते हैं, पहला इसका। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्हें की होल्डर की लगाने का दे रखा है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा कि इसमें की लग सकती है कहीं से, मतलब की है इसमें। तो फिर इसके हिडन फीचर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक होल दे रखा है, और यहाँ पे होल के जो सामने से आवाज़ को पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो निकाल के आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक की रखी हुई है, तो इससे आप इमरजेंसी में इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो फिर इसको हम अभी आपको दिखाएंगे बाद में, इसको बंद कर देते हैं पहले, ऐसे ही आप इसको बंद कर सकते हैं यहाँ से, तो पुश करके ये लॉक हो गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके आपको एक की मिलती है, और इसमें आपको एक कीलेस एंट्री का भी फीचर मिलता है। जैसे ही मैं इसके पास जाऊँगा, ये अनलॉक हो जाएगी, मैं इसको पॉकेट में डाल लेता हूँ। तो गाइस, मैंने पॉकेट में डाल लिया है, तो जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा, ये अनलॉक हो जाएगी, लाइट जलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये अनलॉक हो चुकी है, और जैसे ही मैं इससे दूर जाऊंगा, ये फिर से लॉक हो जाएगी हॉर्न बजा के। तो ये भी आपको एक काफ़ी बढ़िया फीचर मिल जाता है, आप जैसे ही पास आएंगे अनलॉक हो जाएगी, और जैसे दूर जाएंगे वो ये लॉक हो जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया फीचर मिलता है। चलिए अब आपको हम इसका बूट स्पेस दिखाते हैं। सो गाइस, तो चलिए अब हम आपको इसका बूट स्पेस दिखा देते हैं। जैसे मैं ओपन ऐसे दबाऊंगा, फिर अपने आप खुल जाएगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, बिना सीट हटाए, और यहाँ पे थोड़ा सामान रखा हुआ है। और जब आप इसके सीट्स को रिमूव कर देते हैं, आप इसमें सीट्स रिमूव हो जाती हैं, आप लोग देख सकते हैं गाइस, तो ऐसे जब आप इसकी सीट रिमूव कर देते हैं, बाहर आ चुकी है ये, तो इसमें आपको पूरा 1645 लीटर का स्पेस हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं, और ये नीचे वाली सीट भी रिमूव हो जाती है, इसमें भी एक दिया हुआ है, तो ऐसे करके आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं पूरा, लेकिन मैं अभी रिमूव करके नहीं दिखा सकता हूँ आपको, तो इसको अभी ऐसे ही लगा छोड़ देते हैं।
और ये है गाइस, मैंने ऐसे रख के दोनों तरफ से इसको सेट कर दिया, सीट बेल्ट आगे करके इसको ऐसे करके, पता है कि आप इसकी सीट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पीछे काफी कम स्पेस दिया है इसमें। आप बस इसमें बस आप छोटे छोटे पॉलिथीन या फिर बैग ही रख सकते हैं और कुछ नहीं रख सकते। और जब इसकी सीट रिमूव कर देंगे तो आप सब कुछ आ जाएगा सामान आपका इसमें। तो चलिए इसे बंद करते हैं। सो गाइस, तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सो गाइस, तो पहले आपको इसकी लेंथ और ब्रेथ बता देते हैं। तो इसकी लेंथ आपको 3990 mm मिलती है और इसकी ब्रेथ आपको 1739 mm मिलती है। तो गाइस, तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो फिर गाइस, आपको इसमें 999 cc का इंजन मिलता है, जो कि एक 7-सीटर कार के हिसाब से ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये थोड़े कमज़ोर इंजन में भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे देती है। और गाइस, इसको 4-स्टार रेटिंग इसकी सिक्योरिटी में मिली है और आपको इसमें 4 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और गाइस, आपको इसमें फ्यूल टाइप पेट्रोल मिल जाता है। और गाइस, चलिए हम आपको इसे इसके अंदर से दिखाते हैं और इसके अंदर के आपको फीचर्स बताते हैं। ये तो हो गए हमारे बाहर के फीचर्स, अब इसके अंदर के फीचर्स हम आपको बताएं। तो चलिए अब इसको आपको अंदर से स्पेस दिखाते हैं। ड्राइवर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे बैठने के बाद भी अच्छी खासी जगह बच रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी जगह बच रही है बैठने के बाद भी, यहाँ पे नहीं टकरा रहे हैं मेरे पैर। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। चलिए पीछे भी आपको दिखा देते हैं स्पेस इसका। तो गाइस, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी जगह बच रही है, बिल्कुल आपके घुटने नहीं टकराएंगे आगे, आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ इतना स्पेस है। चलिए अब आपको इसके पीछे की सीट्स खोल के दिखाते हैं। इसमें एक चीज़ गलत है कि आप एक ही सीट को बस मतलब खोल सकते हैं पीछे जाने के लिए, दूसरी सीट नहीं खुलती है, ये फीचर ने नहीं दिया है दूसरी सीट खोलने का, तो ये वाली खुल जाती है। चलिए अब आपको इसके पीछे स्पेस दिखा देते हैं। सो गाइस, तो चलिए अब आपको इसके आगे फीचर्स दिखाते हैं। इसमें आपको कितनी स्टोरेज मिलती है आगे, फिर आपको ये सब दिखाते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। सो गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी सारी स्टोरेज भी मिलती है। पहले आपको स्टोरेज दिखा देते हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, आपको ये स्टोरेज मिलती है, ये भी हिडन है, ज्यादा पता नहीं चलती है। एक आपको ये मिलती है, काफी सारी चीजें रख सकते हैं आप। एक आपको ये कोल्ड स्टोरेज मिलती है, मतलब यहाँ पे आप अपना मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, ठंडी रहेगी, ठंडा तो नहीं कर पाएगा ये। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन मिलता है अंदर, ये तो आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पर, लेकिन एक बटन है, कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, नहीं दिख रहा तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक सीक्रेट स्टोरेज है। सो गाइस, यहाँ पे एक सीक्रेट स्टोरेज है, ये आपको यहाँ पे एक हैंडल मिलता है, इसको आप ऐसे उठा के जब खींचेंगे तो ये बाहर आ जाती है। सीक्रेट स्टोरेज है ये, यहाँ पे आप अपना कोई भी मतलब सीक्रेट सामान रख सकते हैं, इसको बंद कर देते हैं। और गाइस, ये आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, इससे आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको दबाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, पूरा सब कुछ यहाँ पे डिजिटल है। और गाइस, जब आप ये बटन दबाएंगे सब आप ये हर चीज दिखाएगा, ये आपको कितना फ्यूल यूज हो गया ये दिखा रहा है इस टाइम, ये आपको एवरेज दिखा रहा है, ये भी एवरेज है, तो ये सब इसमें सब दिख जाता है, रेंज वगैरह सब दिख जाता है कि कितनी चली है गाड़ी। और ये आपको यहाँ RPM दिखता है और यहाँ पे आपको इसका फ्यूल दिखता है कि कितना है या कितना कम है। और यहाँ पे बाकी इंडिकेशंस आते हैं, जैसे अभी गाड़ी चलेगी तो फिर सीट बेल्ट लगा लेकर आएगा, वो तो अभी भी चल रहा है तो गाड़ी चले। इसमें आपको 8 इंच का फुल टच मीडिया प्लेयर भी मिलता है साथ में, आप देख सकते हैं फुल्ली टच है ये। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाती है अलग अलग टाइप की, काफी सारी सेटिंग्स है, इससे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं अपना व्यू। यहाँ पे सर्च डिवाइस करेंगे तो आपकी डिवाइस आ जाएगी, मेरी कनेक्ट है तो फिर व्यू ब्लूटूथ डिवाइस में जाके इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। और गाइस, ये एंड्रॉइड ऑटो को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप रास्ते में मैप वगैरह देख सकते हैं, और ये गूगल वॉइस को भी सपोर्ट करता है। चलिए अब इसका ये यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखा देते हैं, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें जाएंगे तो आप इसका बेस ट्रिबल और मिड मतलब ये सब एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप ये स्पीकर को एडजस्ट कर सकते हैं कि सिर्फ आगे वाले स्पीकर चलाने, तो ये सिर्फ आप इस डॉट को आगे सेट कर दें, और अगर आपको ये पीछे वाले चलाने सिर्फ तो पीछे कर दें, और अगर आपको सिर्फ लेफ्ट वाले स्पीकर चलाने हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट कर दें। ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है कि अगर किसी और को नहीं सुनना है तो फिर आप अपने साइड में करके सुन सकते हैं, तो ये मिलता है आपको। और चलिए पैक करते हैं, यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऑक्स कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑक्स का बोर्ड,
या आप ऑक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी से आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्स, ये ऑडियो, ऑडियो में आपका वही जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो ऑडियो वीडियो चालू हो जाएगा और आईपॉड हम पे है नहीं। और बीटी में जब आप कोई फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो बीटी में आप सॉन्ग बजा सकते हैं। तो अभी आपको सॉन्ग बजा के इसकी साउंड क्वालिटी दिखाएंगे। और गाइस यहाँ पे आपको ये एसी कंट्रोल करने का मिलता है, इससे आप कूल और इससे आप ये गर्म कर सकते हैं। एसी ऑन करने का बटन है, इसको दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। ये स्पीड कंट्रोल है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा तेज हो जाता है। पीछे का एक मैनू इसका अलग ही दिया है, जिससे आप पीछे के एसी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी, ये चालू हो गए, ये बंद हो गए। इसका भी आपको स्पीड 3 तक मिलती है। और गाइस यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, इससे आप जैसे आपको फेस पे चाहिए, लेग पे चाहिए, या सिर्फ लेग पे, या ये फॉग हटाने के लिए आप इसको बाहर कर सकते हैं। क्या क्या दिए गए? तो गाइस आपको इसमें तीनों रो में अलग अलग एसी वेंट मिलते हैं। तो अभी हम पीछे जाएंगे तो अभी आपको दिखा देंगे। सो गाइस अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको 4 एसी वेंट्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 480 एसी वेंट मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको 4 एयरबैग मिलते हैं, एक आपको इस हैंडल में मिलता है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी के दो आपको इसके सीट्स में मिलते हैं, सीट्स के साइड में एयरबैग मिलते हैं आपको इसकी सीट्स के साइड में। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको चीज़ें रख सकते हैं अपनी, यहाँ पे हमने रख रखी है पहले से ही। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये आपको इसका, ये आपको इसमें एक डुअल ट्रांसमिशन कंट्रोल मिलता है। तो आप देख सकते हैं इस साइड में ऑटोमेटिक है, जब मैं इसको नीचे करके इधर कर दूंगा तो ये मैनुअल पे आ जाती है। तो अभी आपको ये चला के दिखाएंगे, इसको आगे करेंगे तो ये रिवर्स गियर पड़ जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आर लिख गया है, और जब मैं इसको पीछे करूंगा, जब मैं इसको पीछे करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे डी लिखा था, तो यहाँ पे भी डी आ जाएगा, तो मतलब ये अब आगे बढ़ेगी। और जब ये मैं न्यूट्रल पे कर दूंगा एन पे, तो यहाँ पे एन आ जाता है, तो ये गाड़ी आगे पीछे नहीं होगी। और यहाँ पे जब मैं मैनुअल कर दूंगा तो आप गियर भी देख सकते हैं, फर्स्ट, फिर मैं इसको दबाऊंगा सेकंड, फिर कर देखिए तो फिर थर्ड पे नहीं जा रही है क्योंकि ये ऑटोमेटिक तो है ही। तो ये सेकंड पे अभी आपको चला के दिखाएंगे गाड़ी, तो सब कुछ अभी आपको चलाने से पहले भी आपको सब कुछ दिखा देते हैं कि कैमरा वैमरा आपको कहाँ पे मिलता है और आपको कौन कौन से सेंसर मिल जाते हैं कि ड्राइविंग के टाइम पे आपके मतलब कितने यूज आएंगे वो। तो चलिए आपको बाहर निकल के दिखाते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कैमरा मिल जाता है, जो कि अभी अंदर ऑन करके दिखाया था। और यहाँ पे आपको 3 रेयर सेंसर्स मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये 3 सेंसर्स लगे हुए हैं। ये आपको कंपनी की तरफ से पहले से इनबिल्ट मिलते हैं, ये 3 सेंसर मिल जाते हैं आपको। और फ्रंट में भी आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन ये आपको कंपनी की तरफ से इनबिल्ट नहीं मिलते, ये आपको अलग से एक्सेसरीज में लगवाने पड़ते हैं। ये आपको 4 मिल जाते हैं, ये आपको कंपनी की तरफ से अलग से लगवाने पड़ते हैं। तो ये आपको सेंसर मिल जाते हैं, चलते समय ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए अभी आपको, चलिए अभी आपको इसका एसी वेट दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पे मिलता है आपको, उधर भी मिलते हैं, ये आपको 2 एसी वेट यहाँ मिलते हैं, और 2 आपको यहाँ पीछे मिल जाते हैं एसी वेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 एसी वेट मिलते हैं। और इसका कंट्रोल आपको यहाँ से मिलता है, यहीं से कंट्रोल होते हैं दोनों तरफ के। आपको सब सीट पे एक सेपरेट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो आप इसमें अपना चार्जर लगा सकते हैं इस टाइप का, देख सकते हैं हमने लगा रखा है, इसमें अपना एक चार्जर लगा सकते हैं इस टाइप का। और गाइस आपको पीछे भी मिलता है, सब सीट पे आपको सेपरेट मिलते हैं, ये इसमें भी आप लगा सकते हैं, इसके बाद आप ये कवर में मिलता है दोनों में। और सबसे आगे आपको यूएसबी पोर्ट ही मिल जाता है, इससे आप एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर सकते हैं और इससे फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं आप। तो गाइस तो चलिए अब हम आप लोगों को टेस्ट ड्राइव पे ले चलते हैं, सब निकलना है अभी। सो गाइस तो फिर हम लोग टेस्ट ड्राइव के लिए हाईवे पे आ चुके हैं। तो गाइस तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी टेस्ट ड्राइव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर एंड डी लिखा है, आर का मतलब है रिवर्स, एन का मतलब है न्यूट्रल, और डी का मतलब है ड्राइव। तो डी से आगे बढ़ेगी, तो अभी इसको डी पे करते हैं, तो चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि गाड़ी चल चुकी है, काफ़ी जल्दी उठ गई है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पे है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्लच वगैरह टाइप की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक पैर खाली है बिल्कुल, सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक है इसमें। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी स्पीड पर पहुंच चुकी है, देख सकते हैं आपको काफी ज्यादा तेज स्पीड बढ़ रही है इसकी। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड अच्छी खासी बढ़ चुकी है। और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ये आप इसको इस अच्छी खासी स्पीड में भी आप इसको मैनुअल पे कर सकते हैं, जो कि दूसरी गाड़ियों में आप नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं मैनुअल पे आ चुकी है, तो यहाँ पे आपको गियर देखना शुरू हो जाए,
देख सकते हैं, मतलब फिफ्थ गियर पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी तेज चल रही है। और देख सकते हैं इसमें मैनुअल पे करके आप गियर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको आप जो देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको मैनुअल कर सकते हैं, आप ये दूसरी गाड़ियों में नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिक से मैनुअल आपको दूसरी गाड़ियों को रोक के उसको मैनुअल पे करना पड़ता है अगर मैनुअल मोड है तो। और इसमें आप चलती हुई गाड़ी पे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पे कर सकते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप फिर से ऑटोमेटिक पे कर दिया है और ऐसे आप मैनुअल पे कर सकते हैं। इसी बताओ देख सकते हैं मैनुअल पे आ गया, जैसे फिर से करूँगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक पे आ गया है। और मैनुअल पे भी आपको बस गियर बढ़ाना पड़ता है, रिड्यूस अपने आप हो जाता है जैसे आप स्पीड हल्की करेंगे होने के बाद। हाईवे तो स्पीड कम कर नहीं सकते ज़्यादा जल्दी। आप देख सकते हैं जैसे कि फोर्थ गियर हो गया, कम स्पीड होती तो ऐसे ही गियर कम हो जाते हैं और बढ़ाने खुद पड़ते हैं, बढ़ते नहीं अपने आप कम अपने आप हो जाते हैं। आप देख सकते हैं नहीं छू रहे इसको, उसको प्लस माइनस बना हुआ है, नीचे करेंगे तो गियर बढ़ेगा ऊपर करेंगे तो कम होगा। देख सकते हैं इसी गियर दबाएंगे फोर हो गया और फिर से दबाएंगे फाइव हो जाएगा, थ्री हो गया तो माइनस कर रहे हैं, फोर हो गया वापस। तो ये आप अपने इससे भी कर सकते हैं नॉर्मली, नहीं बढ़ाना आपको खुद पड़ता है, माइनस अपने आप कर देता है गियर को। देख सकते हैं फिर से बढ़ाना, फिफ्थ गियर आ गया होगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया चल रही है हमारी गाड़ी और इसके शॉकर भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें आपको शॉक्स काफ़ी कम महसूस होते हैं, काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको ये भी। गाइस तो अभी भी हम लोग रास्ते में हैं, तो फिर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना भूल गया था तो फिर अभी आपको दिखा। तो गाइस जैसे कि मैंने इसे लेफ्ट वाले पर कर दिया है तो फिर लेफ्ट वाला मिरर कंट्रोल होगा, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको राइट में कर दूंगा तो इससे राइट मेरा कंट्रोल होगा, देख सकते हैं। इससे आप दोनों मेरा कंट्रोल कर सकते हैं इस वजह से जॉयस्टिक की तरह, इससे आप दोनों मेरा कंट्रोल कर सकते हैं। बीच में करेंगे तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा। ये आपको ये साइड मेरा ऑटो मिलता है और गाइस आपको ये ड्राइवर सीट वाला मेरा ऑटो मिलता है, मतलब जैसे सिंगल पुश करते ही मिरर अपने आप खुलने लगेगा, आप देख सकते हैं जैसे कि सिंगल बार क्लिक करते हैं मिरर अपने आप खुल गया और सिंगल बार ऊपर करने से ही मिरर अपने आप ऊपर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बाकी सब में आपको नहीं मिलता है, सिर्फ ड्राइवर सीट वाली साइड में मिलता है। तो फिर हम लोग वापस आ चुके हैं, तो फिर चलिए अब एक बोनस फीचर की बात कर लेते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं जैसे कि इसकी की है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बीच में वीडियो के कि इसको आपको किस तरीके से ओपन करना है, तो उस तरीके से आपको इसे ओपन कर लेना है। फिर आप लोग जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये बना हुआ है स्क्वायर शेप में कुछ बना हुआ है, तो ये एक हिडन फीचर है, मैं आपको बता दें सेफ्टी फीचर है ये बेसिकली एक, जिससे मतलब आप भैया आपको कहीं रोड पे कोई दिक्कत हो जाए, आपकी चाबी ख़राब हो जाए तो उससे आप इस तरीके से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम बताते हैं, देखिए आप जैसे कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, ये लेफ्ट साइड है गाड़ी की ड्राइवर सीट की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वाईफाई बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक वाईफाई बना हुआ है, की बना हुई है आप देख सकते हैं उसके ऊपर वाईफाई बना है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे लगा के इसे स्टार्ट करेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी इस पर लगा के, तो अगर आपकी चाबी ख़राब हो जाएगी इसलिए है ये फीचर, तो इस पर आप ऐसे लगा के इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस ये फीचर आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी वाला फीचर है, तो इससे आप गाड़ी एक बार ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक या दो बार इतना तो मुझे नहीं पता है। तो फिर ये था एक सेफ्टी फीचर हमारा लास्ट, तो चलिए करते हैं वीडियो को खत्म। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन वाला ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।